हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसको ट्रिग्नोमेट्री में हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ टी रेशियोज़। इससे पहले मैंने टी रेशियोज़ का इंट्रोडक्शन जो है वो पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाएं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो टी रेशियोज के ऊपर बेस्ड हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने, मैंने पिछली वीडियो में इसकी तरह का एक क्वेश्चन करवाया था, तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने कॉस की वैल्यू दी थी, दैट इज़ 3/4 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, टैन ए इज इक्वल्स टू 4/5 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो आपने सबसे पहले cot A इज इक्वल्स टू, इस 15 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, 8/15। ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे सेम पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो एंगल है यहाँ पर A है, मैंने पिछली वीडियो में जो एंगल यूज़ किया था वो थीटा था, तो इसमें A है, तो A कौन से साइड होना चाहिए, ये BC, ये आपका ए एंगल है, ठीक है। मैंने इसको नेम कर दिया ए बी एंड सी, ये आपका ए एंगल है। अब cot A, पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पंडित भद्री प्रसाद हरिहरि पोल, वे टू लर्न दिस साइन cos tan टी रेशियोस, tan tan का उल्टा cot, देन secant एंड दिस इज cosecant। अब हम बात करते हैं cot A की। कॉट की वैल्यू क्या है, बी अपॉन पी, बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर। बेस कितना है, यानी कि ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। तो इसमें मिसिंग वैल्यू कौन सी है, दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो वो आपको कैसे निकालनी है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले वो निकालते हैं, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का होता है 64, 15 का 225, टोटल आएगा 1289। ए सी रूट ऑफ 289 वो होता है 17, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है दैट इज 17। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइन ए। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से देखकर मैंने बोला। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 15 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास 17 है। नेक्स्ट कम्स कॉज ए। कॉज की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज वी हैव 8, हाइपोटेन्यूस इज 17। देन टैन ए, tan A is perpendicular upon base, perpendicular is 15, base is 8. Likewise, cot की already value है हमारे पास, secant A, secant A होता है h upon b, hypotenuse is 7 and base is 8. Last value cosecant A, that is h upon p, hypotenuse is 17 and perpendicular is 15। तो आप इजीली हर क्वेश्चन में इसी तरह से आप वैल्यू सभी टी रेशियोज की निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपने इसको देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, देन मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन आपने सारी टी रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइए अब एक लेवल अप मूव करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 17 cos A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड 15 cosecant A माइनस 8 secant A। तो अब हम सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, cos A की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, 8/17। अब सेम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे।
ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो ये है, ठीक है। आप इसको नेम कर सकते हो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो मर्जी आप नेम कर सकते हो। अब हमें निकालनी है पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, दैट मीन्स ये एट जो है वो बेस की वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो मिसिंग क्या है इसमें, परपेंडिकुलर। तो आप पहले सबसे पहले परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन 17 का स्क्वायर होता है 289। इस 64 को मैं 8 के स्क्वायर को इधर ले आती हूँ, बी सी स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 225। इसका रूट करेंगे तो यू विल गेट बी सी एज 15। तो 15 वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की। अब हमें ये कैलकुलेट करना है 15 को सीकेंट ए माइनस 8 सीकेंट ए। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो हम दो वैल्यूज निकाल लेंगे, एक निकालेंगे कोसीकेंट ए की, दूसरी निकालेंगे सीकेंट ए की। कोसीकेंट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी का मतलब है एच हो गया 17, पी हो गया 15। सीकेंट ए एच अपॉन बी, दैट इज 17 अपॉन 8। अब हम उसमें पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है 15 इंटू कोसीकेंट ए की वैल्यू, कोसीकेंट ए की वैल्यू क्या है 17 अपॉन 15 माइनस 8 इंटू सीकेंट ए की वैल्यू, 8 कैंसिल 15 कैंसिल, तो वी विल गेट 17 माइनस 17 दैट कम्स आउट टू बी 0। तो कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक न्यू वैरायटी है। अब देख लीजिए टैन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, आपको प्रूव करना है कि दिस साइन ए कॉज ए इज इक्वल्स टू 12/25। तो सबसे पहले 3/4 ऑलरेडी गिवन है, तो अब सबसे पहले यही लिख लेंगे साइन कॉज एंड टैन, यानी कि ये जो 3/4 वैल्यू है दैट इज़ परपेंडिकुलर और बेस। आप क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल सेम, इसका एंगल का नाम ए, यहाँ पर ए बी एंड सी कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एनीथिंग। पी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू आपकी 4 है, तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इज 4 बी सी इज 3 यानी कि आपके पास 16 + 9 = 25। तो ए सी का रूट दैट इज ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रही हूँ साइन ए, साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मीन्स पी इज 5 सॉरी पी इज 3 एच इज 5। देन कॉज ए दैट इज बी अपॉन एच, बी इज 4 एंड एच इज 5। आप क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कॉज ए निकालना है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 दैट कम्स आउट टू बी 12/25। आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में जिस टाइप का मर्जी घुमा फिरा कर डाला हो, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये लिखना होता है, दूसरा काम आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना, तीसरा काम आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना और चौथा काम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना। बस यही 4 स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योरली यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने टी रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और थोड़े क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तब तक आप इतनी प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के और वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो, एंड पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर देखें बिकॉज वो इस वीडियोज़ के बेसिक्स हैं, एंड डू प्रैक्टिस एट होम. Have a nice day.